अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। यूपी के जौनपुर में पुलिस ने दो गांजा तस्करों को एक कुंतल से अधिक मात्रा में गांजा और एक होंडा सिटी कार के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जौनपुर अपर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सतीश मिश्र निवासी भदोई, आलोक निवासी जौनपुर को मड़ियाहूं कोतवाली क्षेत्र से गांजे की खेप के साथ धर दबोचा। पकड़े गए गांजे की कीमत लगभग 8 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने एक होंडा सिटी कार भी बरामद की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आइए जानते हैं इस मौके पर क्या बता रहे हैं अवधेश शुक्ला, सीओ मडियाऊं। 1:30 बजे मुखबिर की सूचना पर मैं सीओ अवधेश कुमार शुक्ला व प्रभारी निरीक्षक श्री त्रिवेणी लाल सेन मैं फोर्स के पर ग्राम परसदपुर में नाजायज गांजा जिस जो लगभग 1 क्विंटल के से ऊपर है बरामद किया गया और गिरफ्तार किए गए अभियुक्त सतीश मिश्र सना भूपेंद्र कुमार आर ओ सवरपुर दूसरे हैं आलोक तिवारी और भोले स्वर्गीय सना स्वर्गीय राकेश तिवारी आर ओ परसदपुर मड़ियाहूं को गिरफ्तार किया गया। गांजा की कीमत कितनी बताई जा रही है? गांजा की कीमत 8 लाख से ऊपर बताई जा रही है और संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें कुछ और लोग सम्मिलित हैं? हाँ, इसमें 2 लोग और सम्मिलित हैं, 3 लोग कुल मिला के 4 लोग, 4-5 लोग इसमें सम्मिलित हैं। जांच की जा रही है, जो जांच की जा रही है, जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है उन्हें हम दबिश देकर गिरफ्तार कर लेंगे बहुत जल्दी। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv।